क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। क्रिकेट फैंस के जहन में अक्सर ये सवाल आता था कि ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में क्रिकेट को कभी शामिल क्यों नहीं किया गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस बार IOC के सत्र में कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि IOC है क्या आखिर। IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं। भारत 40 साल के बाद दूसरी बार IOC सत्र की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले सन 1983 में नई दिल्ली में IOC के 86 सत्र का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141 सत्र का उद्घाटन करा। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक रही। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट को ओलंपिक्स 2028 में शामिल करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। क्रिकेट के साथ 4 अन्य खेल भी ओलंपिक्स 2028 में जोड़े गए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में साल 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की एंट्री हो चुकी है। अब इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्रिकेट फैंस के लिए और क्या हो सकती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मुंबई बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया। इस बैठक में क्रिकेट के साथ ही अन्य 4 खेलों को भी ओलंपिक्स 2028 में शामिल करने का आधिकारिक फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 9 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी कर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के अपने प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी थी। इस दौरान बताया गया कि 2 साल की प्रक्रिया के दौरान ICC ने लॉस एंजलिस 2028 की समिति के साथ मिलकर काम किया। बता दें कि भारत लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC सत्र की मेज़बानी कर रहा है। क्रिकेट के साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस भी ओलंपिक्स 2028 में आयोजित किए जाएंगे। इन 5 खेलों की ओलंपिक्स में एंट्री को लेकर बीते शुक्रवार ही बात बनती नज़र आ गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की एंट्री हो रही है। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में भी खेला गया था, यानी 128 साल के बाद इसकी ओलंपिक्स में वापसी हो रही है। लंबे समय से क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की कोशिश चल रही थी। अब जाकर क्रिकेट को दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में एंट्री मिली है। ICC ने इसके लिए खूब मेहनत करी है। ओलंपिक्स 2028 में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों इनवाइट होंगे। फिलहाल 6-6 टीमों को ही एंट्री दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आने वाले दिनों में इस पर टीमों की संख्या को लेकर स्पष्टता आ सकती है। एक बड़ी खबर ये भी है कि लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग और मॉडर्न पेंटाथलॉन बाहर हो सकते हैं। मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग और मॉडर्न पेंटाथलॉन को इस ओलंपिक में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए 18 महीने के अंदर अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए कहा गया है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।